हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। ईएसआईसी, एमटीएस, यूडीसी और एसएसओ में जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने होम रीजन से फॉर्म भरा है, तो वो किस तरीके से, अगर उनको होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग नहीं मिलती है, किस तरीके से उसको पा सकते हैं। दूसरा, जिन्होंने अदर रीजन से फॉर्म भरा है, वो किस तरीके से अपनी स्टेट्स में आके होम डिस्ट्रिक्ट किस तरीके से चूज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले, जितने भी स्टूडेंट जो इंटर रीजनल ट्रांसफर जिन्होंने अदर स्टेट से भरा हुआ है और वो अपनी स्टेट वापस आना चाहते हैं, वो किस तरीके से है, उसका वीडियो मैंने एक अलग से बना दिया है इंटर रीजनल ट्रांसफर करके। वो राइट साइड में बटन में मिल जाएगा, नहीं तो ईएसआईसी के प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। वहां से आप देख लीजिएगा, आपको पूरी हेल्प, हर एक क्वेरी का सवाल जवाब जो है वो वहां पे आपको मिल जाएगा। अब दूसरा प्रॉब्लम ये आती है कि भाई कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी रैंक अच्छी नहीं है, भले ही सेलेक्ट हो जाए लेकिन उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के चांसेस नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि हर साल ईएसआईसी की तरफ से हर पोस्ट के लिए, एमटीएस, यूडीसी, असिस्टेंट, एसएसओ, हर पोस्ट के लिए आपका एनुअल जनरल ट्रांसफर जो है वो आपका हर साल आता है। और ये ट्रांसफर जो आता है वो आपका जनवरी या फेब में आपका फॉर्म जो है वो आ जाता है, और आपका अप्रैल या मई में आपका ट्रांसफर जो है वो आपका हो जाता है। अब ये एजीटी जो होता है उसमें आपको प्रेफरेंस भरनी होती है कि आप किस किस स्टेशन में जाना चाहते हो। तो अगर आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हो, ये इंटर रीजन मतलब अंदर के मैं बता रहा हूँ कि उसी रीजन में किस तरीके से आप ट्रांसफर ले लेते हो, तो होता क्या है कि आपको वहाँ पर चॉइस भरनी होती है कि भाई किस स्टेशन पर मेरी चॉइस है। और अगर आप वहाँ पर कुछ रिमार्क या रीजन लिख देते कि मेरी वाइफ वहां पोस्ट है या मेरे फादर की तबीयत खराब है या कुछ भी ऐसा लिख देते हो, तो फाइनली क्या होता है कि आपकी होम रीजन में, होम डिस्ट्रिक्ट में जो पोस्टिंग है वो विदाउट एनी प्रॉब्लम आपकी बहुत आसानी से हो जाती है, ठीक है। लेकिन बसरते सिर्फ ये रहता है कि आपको वहां पर कुछ ना कुछ रिमार्क्स में लिखना होता है जिसको वो लेके कंसिडर करे। अगर नहीं भी लिखते हो तो मे भी हो सकता है कि आपका उस साल ना हो लेकिन नेक्स्ट ईयर आपका प्रमोशन, सॉरी ट्रांसफर जो है वो आपका होम डिस्ट्रिक्ट में कर दिया जाता है। बात ये आती है कि भाई कितने साल तक आप होम डिस्ट्रिक्ट में रह सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट जो एमटीएस या यूडीसी बनते हैं उनके लिए क्राइटेरिया 7 से 8 साल का होता है, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको उसके बाद ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि छोटे कार्डर में कोई भी ध्यान नहीं देता है। लेकिन हाँ, अगर आप एसएसओ हो, असिस्टेंट हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो ट्रांसफर है वो आपका कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ओवरऑल देखा जाए तो आप अगर छोटी पोस्ट में हो तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट हो सकता है कि आप 15 से 20 साल भी आप रह सकते हो, जरूरी नहीं कि नहीं कि उसके बाद भी ट्रांसफर हो। तो ये डिपेंड करता है कि हेडक्वार्टर जो रीजनल ऑफिस होते हैं वहाँ का जो एडमिन सेक्टर है वो कितना ध्यान दे पाता है, क्योंकि कई जगह देखा गया है कि कुछ लोग उसी डिस्ट्रिक्ट में रह के रिटायर भी हो गए और उनको दोबारा से ट्रांसफर वगैरह जो है वो नहीं हुआ। लेकिन कल को जब आपका प्रमोशन होता है तो आपका ट्रांसफर जो है वो आपका हर हाल में हो जाएगा। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सारी वीडियोज वहां पर आपको मिल जाएंगी। ओके।